ऑल राइट, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कौन कौन आ गया है? गुड गुड, हाय शिवांक, गुड इवनिंग प्रथमेश, गुड इवनिंग सानिका, हाय अंजलि, हाय रुद्र, गुड इवनिंग शेखर, गुड इवनिंग लक्ष्मी, हाय अनुषा, हाय रावि, हाय केदार, गुड गुड। आई थिंक ऑलमोस्ट वीक के बाद हमारा लेक्चर हो रहा है। बीच में काफी फ्री टाइम मिल गया आप लोगों को। आई होप आप लोग होमवर्क एंड ऑल कर रहे हो रेगुलरली, ठीक है? डीपीपीज एटसेट्रा जो मैंने आप लोगों को दी थी सॉल्व करने के लिए, वो सब करी आप लोगों ने? All right, good. ठीक है। So, वैसे कल अपना आई थिंक एक डाउट लेक्चर है। टाइमिंग क्या है उसका? आई थिंक 3 o'clock है, 3:30 ऐसा कुछ है। वॉट इज द टाइम ऑफ द डाउट लेक्चर? तीन बजे है ना? ठीक है, तो उसमें आप लोग अपने डीपीपीज के या फिर बुकलेट के अभी तक जितने सेक्शन हमने कर लिए हैं उसके डाउट्स प्रिपेयर करके रख के लेके आना। विल डिस्कस दोज डाउट्स। नहीं कल नहीं है आई थिंक, या कल है? एक मिनट, लेट मी ऑल्सो चेक माई टाइम टेबल। कल है कि परसों है? कल क्या है? कल फ्राइडे है ना? हाँ कल ही है, राइट, 3 बजे ही है। ठीक है, हाँ ऑल राइट। अभी ये वाले क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो बेस्ड ऑन आर डिस्कशन लास्ट क्लास। मैंने आप लोगों को केटीजी के रिजल्ट्स बताए थे, ठीक है? केटीजी का कितना होमवर्क आप लोगों ने कर लिया है? लेट मी ट्राई टू रिमेंबर व्हाट वाज द लास्ट होमवर्क दैट वाज गिवन टू यू। हाँ, वो केटीजी के क्वेश्चंस थे, राइट, एफबीओ के एंड एफबीएस के, एंड आई हैड आस्क्ड यू टू सॉल्व डीपीपी 32 ऑल्सो। ठीक है, हाँ राइट प्रथमेश, आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, इनफैक्ट ये ऐसा जेई एडवांस्ड 2016 का क्वेश्चन है। नहीं नहीं अभी डीपीपी के डाउट्स नहीं करेंगे, कल करते हैं। वही मैं कह रहा था सुमित, कल 3 बजे अपना डाउट लेक्चर है ना, सो विल डू दोज डाउट्स इन टुमारोज सेशन, टुमारोज डिस्कशन सेशन। Now, do you remember the formulas that we did in the last class? Let me give a quick recap of those formulas जो हम लोगों ने last class में देखे थे. Right, ये सब हमने speed distribution के बारे में important points समझे थे. एक तो collision frequency का formula था. This one, right? And एक mean free path वाला formula था, right? Mean free path वाला formula क्या था? Lambda is u bar by z, right? इन formula पे based. वैसे ये पहला वाला तो काम नहीं आएगा, but हाँ mean free path वाला formula जरूर काम आएगा। इसके ऊपर based try and answer this question.
हाँ, कल आप थ्योरेटिकल डाउट भी पूछ सकते हो ना हर्ष, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल डाउट ही पूछोगे. यू कैन आस्क थ्योरेटिकल ऑल्सो, दैट्स ओके. कॉन्सेप्चुअल डाउट आई मीन. ऑलराइट. और किसी का आंसर नहीं आया अभी तक इस क्वेश्चन का? राइट गुरुदेव, 4 इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, सो यहां पर नोटिस करना, दिस इज अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ओनली. मे बी लाइक एक बार के लिए डर लग जाता है इफ यू डोंट अंडरस्टैंड और रिमेंबर द फॉर्मूलाज ऑफ मीन फ्री पाथ एंड ऑल. तो यहां पर नोटिस करना क्वेश्चन किस तरीके से बात कर रहा है. क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिफ्यूजन कोएफिशिएंट. ठीक है, लेट मी जस्ट एब्रीविएट इट एज डीसी. नाउ दिस डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू द मीन फ्री पाथ, ठीक है, एंड द मीन स्पीड. तो आई कैन राइट डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इनटू यू बार. ठीक है, अब उसके बाद बोला जा रहा है द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज इन द फॉलोइंग मैनर. एक को 4 टाइम्स से इंक्रीज कर रहे हैं और एक को 2 टाइम्स से इंक्रीज कर रहे हैं. सो वॉट आई नीड टू डू इज आई नीड टू गेट दिस राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ पी एंड टी. राइट, सो यहां पर आई राइट द फॉर्मूला ऑफ मीन फ्री पाथ. ठीक है, दिस इज 1/√2πd² इंटू एन बाई वी. एंड एवरेज स्पीड कितना होता है? √8RT/πm. ठीक है, नाउ अब इसमें से ये सब टर्म्स, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं. ठीक है, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं. दीज आर समथिंग विच आई डोंट केयर अबाउट. वॉट मैटर्स इज that this diffusion coefficient is proportional to v by n into root t. ठीक है, now if you remember pv is equal to nrt. ठीक है, then इसमें से आप v और n को भी eliminate कर सकते हो. ठीक है, v upon n is going to be proportional to, ठीक है, moles की जगह number of molecules डाल लो क्योंकि proportionality के बारे में ही बात कर रहे हैं. So you can see that v by n is going to be proportional to t upon t. Okay, so I will substitute over here that diffusion coefficient is proportional to t by p into root t. ठीक है, अब आप यहां पर नोटिस करोगे, राइट, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट 1 upon डिफ्यूजन कोएफिशिएंट 2 विल बी इक्वल टू कैसा रहेगा? t1 into root t1 upon p1 into p2 upon t2 root t2. ठीक है, एंड वॉट यू विल गेट इज यहां पर टेम्परेचर को, ठीक है, प्रेशर 2x हो रहा है एंड टेम्परेचर 4 टाइम्स हो रहा है. ठीक है, so what you will get as the answer is 1/4. ठीक है, मैं एक बार zoom out कर लेता हूँ for everyone's benefit to help you understand कैसे ये question करा गया. ठीक है, now this is something where you should understand the core concept in this question is trying to understand how one variable, ठीक है, is dependent on its factors. Like यहां पर diffusion coefficient बोला गया है कि it is mean free path and mean speed के proportional है. And क्या क्या change करा है? Pressure temperature change करा है. तो what we understand is pressure temperature इनके formulas में आता है जिनको मैंने यहां पर लिखा. एंड जब इनको लिखा तो इसमें से कॉन्स्टेंट जो थे वो मैंने ये ग्रीन से कट आउट कर दिए. लाइक आई डोंट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब बाई दोज कॉन्स्टेंट्स. तो बिकॉज प्रोपोर्शनैलिटी की बात हो रही है तो जस्ट टेक दम आउट.
एंड आई कैन सी द डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज डिपेंडेंट अपॉन दीज वेरिएबल्स. ठीक है, हाउएवर आई विल नॉट स्टॉप हेयर. व्हाई विल आई नॉट स्टॉप हेयर? बिकॉज क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रेशर टेम्परेचर चेंज कर रहा है, राइट? अब प्रेशर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आई वुड नीड टू सिंप्लीफाई और काइंड ऑफ रिप्लेस दिस वी बाय एन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर टेम्परेचर ओनली, एंड देयर इट शुड स्ट्राइक टू मी दैट आई नो द आइडियल गैस इक्वेशन एंड आई कैन सब्स्टिट्यूट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी टू ओनली हैव द टर्म्स दैट आई डिजायर ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है, बाकी सब प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट में चला गया. एंड नाउ इफ आई अंडरस्टैंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, सॉरी टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज कैसे हो रहे हैं, आई कैन गेट द आंसर टू हाउ द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज गोइंग टू चेंज. ठीक है, हाँ ऑफकोर्स यहाँ पे एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन एंड स्मॉल एन इज मोल्स, बट इट डजेंट मैटर ना, आई कैन रिप्लेस स्मॉल एन एज कैपिटल एन अपॉन एन ए, एंड वो एवोगैड्रोस कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी में चला गया. आई डोंट बॉदर अबाउट इट, इट्स अ कॉन्स्टेंट ओनली. ठीक है, नाउ इसी को मैं थोड़ा सा आपको एक क्विक टेबल के फॉर्म में थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराता हूँ. ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करना, दिस इज काइंड ऑफ अ यू कैन से अ क्विक एक्सरसाइज ओनली, वेयर लेट मी टेक द फॉर्मूलाज ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ, एंड आई विल आस्क यू हाउ दे आर गोइंग टू डिपेंड ऑन सर्टन वेरिएबल्स. ठीक है, सो ओप्स माई बैड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ऑल राइट, सो यहां पर नोटिस करना, लेट्स से लेट मी कीप टू टर्म्स ओवर हियर. एक बार प्रेशर का डिपेंडेंस ले लेंगे, एक बार टेम्परेचर का और एक बार वॉल्यूम का. ठीक है, नाउ नोटिस करना, जेड वॉज रूट टू पाई डी स्क्वेयर. ठीक है, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक नोटिस किया था, ये इसका फॉर्मूला है. एंड मीन फ्री पाथ का क्या था, वन अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर एन बाय वी. ठीक है, पाई डी स्क्वायर यू बार इनटू एन बाय वी, ये हमारा फॉर्मूला था. ठीक है, नाउ लेट्स से इफ आई कीप प्रेशर इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, इफ आई कीप दैट एज अ कंडीशन. ठीक है, देन आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ जेड वर्सेस टी एंड जेड वर्सेस वी. ठीक है, क्या रिलेशनशिप रहेगा. सिमिलरली लैम्डा वर्सेस टी एंड लैम्डा वर्सेस वी, कैसा रिलेशनशिप रहेगा इफ प्रेशर इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो मैं आप ये पहला वाला मैं आपके लिए कर देता हूं. ठीक है, अब आप यहां पे नोटिस करना, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, आइडियल गैस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन ऑफकोर्स पी वी इज इक्वल टू एन आर टी गोज विदाउट सेइंग. सो प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो यहां पर नोटिस करना, जेड इज प्रपोर्शनल टू रूट टी, ये यू बार से आएगा क्योंकि रूट टू पाई डी स्क्वायर ये सब तो कॉन्स्टेंट्स है, इनको तो मैं निकाल दूंगा. यू बार में एक रूट टी आएगा एंड एन बाय वी किसके बराबर है. ठीक है, एन बाय वी इज इक्वल टू पी बाय टी,
ठीक है, एंड पी कांस्टेंट है तो पी को वापस हटा देता हूँ, तो ये नेट क्या बचा, नेट बचेगा जेड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√t अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग विच टॉक्स अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ हाउ जेड इज गोइंग टू डिपेंड ऑन टेम्परेचर इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए करा है, अब ये बाकी तीन आप मुझे निकाल के बताओ फटाफट, where you will have to show the dependency of how z will be on just one of the variables. Okay, in this second one I'm asking how will it going, how is it going to depend on v. Okay, try karo. ये पहला वाला कैसे निकाला वो आपको समझ में आया ना, इज दिस समथिंग विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली? All right. अब यहां पर कैसा रहेगा, वापस से आप नोटिस करोगे बिकॉज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जब प्रेशर कॉन्स्टेंट है, व्हेन प्रेशर इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो आई कैन जस्ट रिप्लेस टेम्परेचर बाय वॉल्यूम एंड दैट इज व्हाट माई आंसर वुड बी, क्योंकि बाकी सब चीजें प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट में एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, यहां पर मैं ऊपर और मेंशन कर देता हूं, यहां पर दिस इज फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, एन को वेरी नहीं करना है, मोल्स आर नॉट चेंजिंग। यहां पर कैसा रहेगा, लैम्डा का वेरिएशन, लैम्डा यहाँ पे यू कैन सी रूट टू पाई डी स्क्वायर, ये सब तो लाइक कांस्टेंट है ही सही, राइट? तो एन भी कांस्टेंट है ही सही, तो ये वी न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो लैम्डा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, एंड बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट वी एंड टी आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यू कैन से दैट लैम्डा इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ओनली। ठीक है, अच्छा, अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, आपके टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो z वर्सेस p का रिलेशनशिप, z वर्सेस v का, लैम्डा वर्सेस p एंड लैम्डा वर्सेस v का रिलेशनशिप बता दो।
इसमें आप देखो तरीका क्या था, वापस से नोटिस करना। हाँ राइट हर्ष, रूट टू कॉन्स्टेंट है, पाए कॉन्स्टेंट है, डी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। डी वॉज अ डायमीटर ऑफ द गैस, ठीक है। यू बार जो है ये किस पर डिपेंड करता है, रूट टी पर, और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, यानी कि ये सब के सब कॉन्स्टेंट है, एंड फिक्स्ड मोल ऑफ गैस है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, तो मोल्स भी कॉन्स्टेंट है, तो ये कितना रह गया, जेड इज कमिंग आउट टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, दैट्स इट, जेड इज कमिंग आउट टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करना ना, रूट टू भी कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, डी भी कॉन्स्टेंट है, एंड एवरेज स्पीड ये भी कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। एवरेज स्पीड किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंड फिक्स्ड मोल ऑफ गैस है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, तो एन भी कॉन्स्टेंट है, यू गेट द अंडरस्टैंडिंग, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, जेड प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर जेड वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यू कैन बेसिकली सब्स्टिट्यूट फ्रॉम पी वी इज इक्वल टू एनआरटी टू, ऑल्सो सी दैट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो पी वी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब आप लैम्डा का डिपेंडेंसी बता दो कैसा रहेगा, राइट। यहाँ पे रूट टू पाई डी स्क्वायर और एन कॉन्स्टेंट है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, ठीक है, दैट लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं देखूंगा रूट टू पाई डी ये सब कॉन्स्टेंट है, एन भी कॉन्स्टेंट है, तो जस्ट वी ऊपर आ गया, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, एंड बिकॉज टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, वी एन पी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। अगर मान लो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो फिर जेड और लैम्डा का कैसा रिलेशनशिप रहेगा, हाउ विल जेड वर्सेस पी एंड जेड वर्सेस टी कैसा रहेगा, व्हाट विल बी लैम्डा वर्सेस पी और यू कैन से लैम्डा वर्सेस टी गोइंग टू लुक लाइक, नहीं कुशल दोबारा देखो ध्यान से, इसमें तरीका वही है ना, सिंपल है, रूट टू कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये सब कॉन्स्टेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी कॉन्स्टेंट है, और वॉल्यूम तो बोला ही जा रहा है, तो वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट है, तो जेड किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, बस यू बार के, ठीक है। तो जेड अगर यू बार के प्रोपोर्शनल आ रहा है और यू बार इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, दैट्स इट, मेरा ये आंसर आ गया सामने सामने, दैट जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, एंड क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईच अदर होंगे, ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जेड अगर रूट टी के प्रोपोर्शनल है तो जेड रूट पी के प्रोपोर्शनल रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। हाँ यश, आपने करेक्ट आंसर दिया। व्हाट अबाउट लैम्डा, व्हाट हाउ विल लैम्डा चेंज इफ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट,
राइट यश, यहाँ पे लैम्डा अनचेंज रहेगा ना, क्यों? रूट टू पाई डी एन ये सब तो कांस्टेंट है, और वॉल्यूम भी कांस्टेंट बोल दिया इस कंडीशन में, तो सब कुछ ही कांस्टेंट है ना, तो लैम्डा इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, हाँ ये वाला आपको समझना है आर्यन, तो दोबारा समझ लो। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट बोला जा रहा है, ठीक है, तो रूट टू कांस्टेंट है, ये चला गया, पाई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में चला जाएगा, डी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में चला जाएगा। जो यू बार है, यू बार दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ठीक है, एंड एन भी कांस्टेंट है, तो एन भी हटा दो, एंड वी रहेगा। ठीक है, अब आप नोटिस करना, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर, तो आई कैन रिप्लेस वॉल्यूम बाय टेम्परेचर, तो एंड में क्या बचा अल्टीमेटली, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ठीक है, समझ में आया? सो द रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस क्विक प्रैक्टिस विद यू इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट इन फ्यूचर इफ समथिंग लाइक दिस कम्स, ठीक है, वेयर यू हैव टू सी दैट हाउ वन यू नो प्रॉपर्टी वेरीज विद अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, यू शुड बी एबल टू क्लियरली राइट द डिपेंडेंसी ऑन दोज प्रॉपर्टीज और दोज वेरिएबल्स। ठीक है, यू शुड रियलाइज वॉट इज कॉन्स्टेंट एंड वॉट इज गोइंग टू वेरी, एंड देन अकॉर्डिंगली मैन्यूपुलेट द इक्वेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने डिफ्यूजन कोएफिशिएंट भी पढ़ा था। ठीक है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट नहीं, सॉरी, रेट ऑफ इफ्यूजन पढ़ा था। रेट ऑफ इफ्यूजन कैसा था? पी ए बाय रूट टी एम के प्रपोर्शनल था। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, ठीक है, वॉज प्रपोर्शनल टू इस तरीके से, पी ए अपॉन रूट टी एम। ठीक है, नाउ इफ आई आस्क यू द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस, जैसे मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, देन हाउ इज द रेट गोइंग टू वेरी विद द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो आपका क्या आंसर रहेगा? रेट ऑफ इफ्यूजन को लेकर इफ आई आस्क यू, प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वॉट विल रेट का डिपेंडेंसी बी ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम? हाँ राइट आस्था, टेम्परेचर विल बी 1/√T। ठीक है, एंड क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, आई वुड सिंपली से 1/√V। राइट, करेक्ट हर्ष। ठीक है, बाकी दोनों कॉलम भरो, बाकी दोनों बताओ कैसे रहेंगे। टेम्परेचर वाला करो पहले, ठीक हाँ राइट आस्था, राइट शुभम। यहाँ पर बस अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बस रेट ऑफ इफ्यूजन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर कैसा रहेगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है? हाउ विल इट लुक लाइक? जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, जस्ट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर।
राइट right. नहीं अनचेंज नहीं, क्या कह रहे हो तुम, रूट पी एन रूट टी हो जाएगा ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर इज प्रोपोर्शनल टू पी बाय रूट टी है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट पर क्या होगा, पी एंड टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो यहाँ पे अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मैं टी को पी से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरा नेट क्या बचेगा, रूट पी, या फिर अगर मुझे टी से रिप्लेस करना है तो मैं ऊपर वाले पी को टी से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, तो ये रूट टी आ जाएगा. ठीक है, ये समझ में आया कैसे आई है? ठीक है, ऑल राइट. तो ये डिपेंडेंसी ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑन अ पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है, ये आपको निकालना आना चाहिए वाइल अदर्स आर बीइंग केप्ट कांस्टेंट. ठीक है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना हो ना तो व्हाट आई शुड और व्हाट यू शुड डू इज, ठीक है, एज पार्ट ऑफ योर रिविजन्स, आप जब घर पे जाओगे, एज इन आप तो घर पे ही हो अभी तो, बट हाँ आपको जब प्रैक्टिस करना हो, इसको रिकैप करना हो, तो जस्ट इरेज दिस अप. ठीक है, ये देखो ही मत एंड खुद से सोचो एंड देन ट्राई टू रीवर्क ऑन इट. ठीक है, देखना कितना आपका करेक्ट आता है, देन यू विल गेट अ ट्रू आइडिया आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया है. ठीक है, तो इस तरीके से बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ वाइल ट्राइंग टू असेस कि आज के क्लास में कितना समझ में आया. जितना आप ऑनेस्टली खुद को असेस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. क्लास में होते तो मैं बोर्ड पे आके असेस कर पाता, बट बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, यू विल हैव टू टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. All right. Now, इसी में अब मैं एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ. आई थिंक सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन लॉन्ग बैक जब मैं ग्राम्स लॉ ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन बता रहा था, तब उन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में पूछा था. तो यहाँ पर उसका एक क्विक नोट कर लेते हैं. वैसे उसका डेरिवेशन अगेन आपके बस का नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट इंटीग्रेशन एंड ऑल. सो रेट ऑफ इफ्यूजन एज पर कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज KTG, ठीक है, जो रिजल्ट आता है वो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ. ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना. यू विल हैव आर, दैट इज आर रेट ऑफ डिफ्यूजन, इज इक्वल टू पी ए अपॉन रूट टू पाई एम के बी इंटू टी. ठीक है, के बी is Boltzmann's constant. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट पी ए इंटू एन ए एवोगैड्रोस कॉन्स्टेंट. ठीक है, पी पार्शियल प्रेशर है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अपॉन रूट टू पाई एम आर इंटू टी. ठीक है, तो दिस मीन्स द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले नोट किया था, ठीक है, इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इज गोइंग टू बी एन ए अपॉन रूट टू पाई आर. ठीक है, और यू कैन से वन अपॉन रूट टू पाई
केबी, ठीक है। एंड इसमें जो इंटरप्रिटेशन है रेट की, ठीक है, इसमें ध्यान रखना, द इंटरप्रिटेशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर इज डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, दैट इज द इंटरप्रिटेशन दैट वी आर यूजिंग, उसके लिए ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। मोल्स डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स यू गेट द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, ठीक है। नाउ अब एक और लास्ट रिजल्ट रहेगा केटीजी का, ठीक है, जो मैं आपको बता देता हूं, विच इज गोइंग टू बी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी नॉट स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी, दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या रिजल्ट था, किसी को याद है क्या ये? ऑफ कोर्स क्यों याद रहेगा, मैंने ही मना किया था याद करने के लिए, कुछ चीज याद करने के लिए बोलूंगा वो तो जरूरी नहीं है याद रखा जाए, बट हाँ कुछ चीज मैंने ये बोल दी कि ये याद नहीं रखना है तो वो तो यू विल फॉलो इट रिलीजियसली, सर ने बोल दिया ये याद नहीं रखना है तो फिर तो नहीं रखना है। सो इफ यू रिमेंबर दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में what this equation provided was, this was the speed distribution of an ideal gas, where dn represented, kya represent karta tha dn, number of molecules having speed between u and u plus du, राइट। नाउ अब आप लोग नोटिस करना, लेट मी रीराइट इट बेटर, dn रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स u एंड u plus du, ठीक है। अब नोटिस करना, इफ आई हैव टू मेक यू नाउ राइट द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, सो ध्यान से ऑब्जर्व करना, हाफ एम यू स्क्वायर, इसको मैं e से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, एंड मैं डिफरेंशिएट अगर करूंगा यहां पर तो नोटिस करना एम यू डी यू विल बी इक्वल टू डी ई। सो what I'll have to do is substitute u and du in terms of e and de in the above equation. ये मैं, ये समझ में आया ही होगा आपको, ये kinetic energy का relationship रहता है half mu square, और मैंने इसको differentiate करा तो ये 2 cancel out हो जाएगा, mu du will be equal to de. इसको जब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, यू की जगह ई का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ और डी यू की जगह डी ई का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई विल गेट इज गोइंग टू बी द स्पीड, सॉरी काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मैं इसको सब्सटीट्यूट करने के बाद में, सिंप्लीफाई करने के बाद में जो रिजल्ट बन रहा है वो मैं आपको सीधे सीधे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस रिजल्ट के ऊपर फोकस करना, ठीक है, कैसा रहेगा ये रिजल्ट ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, ये रहेगा डीएन
will be equal to 2 pi n 1 upon pi kbt raised to the power of 3 by 2 into e ki power minus e upon kbt root e de. ये आंसर आ जाएगा जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, ठीक है? तो व्हाट विल इट रिप्रेजेंट, व्हाट विल डीएन रिप्रेजेंट है? डीएन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड or not speed, actually having kinetic energy between E and E plus DE. This is what will be the kinetic energy distribution. Okay. Now, based on this result, जो मैंने आपके सामने लिखा है, can you get me the answer to the most? अच्छा, अब अगर आप इसको प्लॉट करोगे, ठीक है, इफ यू वर टू प्लॉट दिस इन द सेम मैनर जैसे अपन लोग पहले कर रहे थे, ठीक है, 1 बाय एन डी एन बाय डी ई वर्सेस ई का मैं प्लॉट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ये भी कुछ इस तरीके से ही आने वाला है, ठीक है, दिस इज गोइंग टू कम इन दिस मैनर ओनली. नाउ व्हाट वुड दिस मैक्सिमा करस्पॉन्ड टू? What would this maxima correspond to on the x-axis? This will be the kinetic energy, most probable. Correct. So, zara iska result nikal ke bata do mujhe. Kya result rahega? Most probable kinetic energy will be equal to what? And मैं definitely बता देता हूँ, this will not be equal to half into m into u mps का square आप करने जाओ, ठीक है, ये आपका answer नहीं रहेगा. This is not going to be our answer. ठीक है, या फिर इसको आप KBT भी बोल सकते हो, पर मॉलिक्यूल लेवल पर अगर कर रहे होते, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, वो आपको इस इक्वेशन का यूज करके निकालना पड़ेगा. राइट यश, राइट केदार, बाकी लोगों ने सही आंसर नहीं दिया, ट्राई करो. क्या करना पड़ेगा यहां के लिए? डीवाई बाई डी एक्स को जीरो करना पड़ेगा, मैक्सिमा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप आंसर निकालो. राइट, टाइम लग रहा है, निकाल पा रहे हो?
All you have to do is do dy by dx equal to 0. ठीक है, और ये y एक्सिस पर क्या है? y एक्सिस पर दिस इज व्हाट इज देयर ऑन द y एक्सिस. इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू e एंड यू विल गेट योर आंसर. You will get the answer as half RT, or you can say half KBT. ठीक है, half RT अगर आप per mole level पे बात कर रहे हो, और अगर per molecule level पे बात कर रहे हो, तो this will be your most probable kinetic energy. ठीक है, हाँ, right पूर्ण. ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स मैंने आपको बताए हैं. ठीक है, केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, ये ऊपर बताया था मैंने, केबी इज आर अपॉन एन ए, कभी तो बताया था, लास्ट क्लास में बताया होगा, ऐसे मत बोलो. कब बताया था ये मैंने? ये तो मैंने जब लास्ट टू लास्ट क्लास में बता दिया होगा. कहाँ गया था? ये यहाँ पे बताया था ना, के बी इज आर अपॉन एन ए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. इसका वैल्यू ये क्या रहेगा? ये 8.314 अपॉन 6.02 इनटू 10 टू 23. राइट, ठीक है. तो ये आपके इम्पॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स रहे हैं, ये यू नो काइंड ऑफ एडवांस के हिसाब से समझना, स्पेशली ये लास्ट वाला पार्ट जो मैंने बताया केटीजी का. ठीक है, दिस इज मोर रेलेवेंट फ्रॉम एडवांस का पर्सपेक्टिव देन मेंस का. ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे एक क्विक सेग्रीगेशन बिटवीन मेंस एंड एडवांस, सो आई जस्ट क्विकली डू दैट फॉर यू. ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या क्या रेलेवेंट रहेगा? ठीक है, ये रिजल्ट्स, EV इज इक्वल टू NRT एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, राइट, ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके. पर मोल लेवल पे जा रहे हो, पर मॉलिक्यूल लेवल पे जा रहे हो, या n मोल्स ऑफ गैस के लिए जा रहे हो, राइट, उस हिसाब से. देन नॉट नथिंग मच टू डू विद दिस इक्वेशन. ठीक है, एंड देन मेंस के पर्सपेक्टिव से रिमेंबरिंग द रिजल्ट्स, यू एवरेज का वैल्यू, यू आरएमएस का वैल्यू और यू एमपीएस का वैल्यू. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स करेक्ट सेट ऑफ यूनिट्स के साथ में उनको पुट करना, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. देन ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में भी आई शुड से कि इतना ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है दैट ये ग्राफ क्या होता है. ठीक है, इसका एरिया क्या मीन करता है और इसमें यू एमपीएस, यू एवरेज, यू आरएमएस कहाँ पे होता है. ठीक है, ये इतना मीन्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, बाकी जो ग्राफ की डिटेलिंग है कि व्हाट दैट ग्राफ रियली रिप्रेजेंट्स, हाउ डू वी कंप्यूट और टॉक अबाउट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो इंटीग्रेशन वाला बैकग्राउंड मैंने आपको दिया, ये सब एडवांस के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है. ठीक है, देन मीन्स के पर्सपेक्टिव से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप टेम्परेचर या मॉलिक्यूलर वेट चेंज करते हो तो ग्राफ कैसे चेंज करता है. ठीक है, देन अगेन एडवांस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मीन फ्री पाथ, ये सब एडवांस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. एंड स्पेशली जो ये आज के रिजल्ट्स मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा एंड उसमें मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, ये सब अगेन एडवांस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मीन्स. ठीक है, ऑलराइट, नाउ वी हैव यू नो अंडरस्टूड quite a bit about ideal gases, ठीक है, and उनके results. Now we'll move on to understanding real gases, ठीक है, so let me put the next heading in front of you. So you can say 70% of the chapter is done, ठीक है, but 30% थोड़ा सा और बचा है, which is what we are going to talk about as real gases. Now, इसमें पढ़ने का तरीका कैसा रहेगा, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा उसको पढ़ने का समझने का तरीका कैसा रहेगा, पहले वो एक पर्सपेक्टिव समझ लेना.
ठीक है, देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट और रिलेट द कॉन्सेप्ट्स मच बेटर. ठीक है, सो द वे इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी द रियल गैस इज, पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर समझाऊंगा. ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कि इन रियल वर्ल्ड, ठीक है, वी हैव गैसेस लाइक से O2 गैस या CO2 गैस या N2 गैस. ठीक है, इनका हम लोग एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, एंड ये बिहेवियर और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग नोटिस करेंगे, तीन चार फीचर्स नोटिस करेंगे. ठीक है, विच आर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन अबाउट रियल गैसेस. देन वॉट वी विल डू इज दैट वी विल डेवलप अ रियल गैस इक्वेशन. ठीक है, वी विल डेवलप अ रियल गैस इक्वेशन. जैसे आइडियल गैस इक्वेशन था वैसे ही हम लोग एक रियल गैस इक्वेशन डेवलप करेंगे विच शुड वैलिडेट, ठीक है, और विच शुड यू कैन से प्रिडिक्ट, और विच यू कैन से विच शुड एक्सप्लेन, ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर. ठीक है, अगर वो रियल गैस इक्वेशन इस एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पा रही है, वैलिडेट कर पा रही है, देन इट्स अ गुड रियल गैस इक्वेशन दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. अच्छा, अब जब रियल गैस इक्वेशन बनानी रहेगी, ठीक है, तो आप नोटिस करना, हम कुछ पाथ ब्रेकिंग सा ऐसा कुछ स्टडी नहीं करेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मॉडिफाई आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, और रादर आई शुड यूज द वर्ड दैट वी वुड करेक्ट, डू सम माइनर करेक्शंस इन आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, एंड उस करेक्शन से हम लोग ये रियल गैस इक्वेशन डेवलप करेंगे विच शुड एक्सप्लेन दीज एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर्स. ठीक है, तीन चार बिहेवियर रहेंगे ये. ठीक है, वन विल बी द यू नो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ऑब्जर्वेशन, द अदर विल बी बॉयल्स टेम्परेचर, देन थर्ड विल बी लिक्विफिकेशन. ठीक है, देन मे बी आई विल टॉक अबाउट इन्वर्जन टेम्परेचर. सो देर आर सम एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर्स दैट आर शोन बाय रियल गैसेज. दोज बिहेवियर्स हम लोग पहले स्टडी करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली होता क्या है, वॉट इज दैट ऑब्जर्वेशन, एंड देन वी विल ट्राई एंड सी दैट द रियल गैस इक्वेशन दैट वी आर डेवलपिंग हाउ इट इज गोइंग टू वैलिडेट देम. ठीक है, अच्छा, हैविंग सेट दिस, ठीक है, ध्यान से सुनना, हैविंग सेट दिस लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस. देर इज नो परफेक्ट रियल गैस इक्वेशन इन द वर्ल्ड दैट वी हैव. ठीक है, ऐसी कोई परफेक्ट रियल गैस इक्वेशन आज तक बनी ही नहीं है विच कैन एक्सप्लेन ऑल द एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर ऑफ ऑल द गैसेज विद एक्यूरेट डेटा पॉइंट्स. ऐसा कोई इक्वेशन है ही नहीं, एंड हम लोग डेवलप भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड. ठीक है, सो वॉट वी आर गोइंग टू सी इज दैट देर आर मेनी रियल गैस इक्वेशंस दैट आर प्रेवलेंट इन आर लिटरेचर. ठीक है, अगर आप जनरली रियल गैस इक्वेशन करके गूगल करोगे या विकीपीडिया करोगे तो यू माइट कम अक्रॉस मेनी रियल गैस इक्वेशंस डेवलप्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ड्यूरिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स. ठीक है, जो सबसे अच्छी सबसे एक्यूरेट रियल गैस इक्वेशंस हैं वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस के ऊपर है. ठीक है, हम अपने सिलेबस में जो रियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे वो सिर्फ एक पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज वांडरवाल्स इक्वेशन. दैट इज द यू कैन से मोस्ट फंडामेंटल और द सिंपल रियल गैस इक्वेशन दैट इज देयर. बाकी जो रियल गैस इक्वेशंस हैं विच आर मोर एक्यूरेट, दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, दे आर मोर एडवांस्ड मॉडिफिकेशंस ऑफ वांडरवाल्स इक्वेशन ओनली. हाउएवर हम लोग इतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ एक इक्वेशन का डिस्कशन करेंगे विच विल बी एज आई सेड वांडरवाल्स इक्वेशन. ठीक है, नाउ व्हेन आई विल बी एक्चुअली डेवलपिंग दैट वांडरवाल इक्वेशन विद यू, ठीक है, तब आपको रियलाइज होगा दैट यू नो व्हाई वांडरवाल इक्वेशन इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट इक्वेशंस दैट इज देयर, एंड यू नो हाउ there would be a scope of improvement if we think about it. Okay? Now,
नोटिस करना, सबसे पहले हम लोग रियल गैस का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ठीक है। सो एज आई सेड, लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लेट मी पुट द हेडिंग इन दिस मैनर, एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीवी ग्राफ, पी वर्सेस वी ग्राफ, ठीक है, ऑफ अ रियल गैस, ठीक है, एट गिवन मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है, एक मॉडरेट टेम्परेचर पे, ठीक है, फॉर ऑफ अ गिवन अमाउंट भी बोल देता हूँ, मोल्स भी फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ, ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ यू कैन से रियल गैस, ठीक है, एट अ गिवन मॉडरेट टेम्परेचर। तो ये अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। आइडियल गैस के लिए ये ग्राफ कैसा रहता है, कोई एक आइडियल गैस आपके पास में है एंड आपने उसका टेम्परेचर फिक्स कर रखा है, ठीक है, एंड पी वर्सेस वी का ग्राफ नोटिस करोगे, तो वो ऑब्जर्वेशन कैसी रहती है, ठीक है, हाउ डज दैट ग्राफ लुक लाइक, इट लुक्स लाइक अ हाइपरबोला, ठीक है, याद है कि नहीं याद है। सो व्हेन यू हैव अ पीवी ग्राफ, ये कैसा दिखता है, ऐसे एक हाइपरबोला की तरह दिखता है। सो दैट इज वॉट वी हैव एज अ बेंचमार्क इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ दिस दैट ये आइडियल गैस इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है, दिस इज आइडियल गैस का ग्राफ, ठीक है, रादर आई शुड राइट इट ओवर हियर, ठीक है, ये आइडियल गैस का ग्राफ था पी वर्सेस वी किसी एक मॉडरेट टेम्परेचर पर। नाउ नोटिस करना, एक रियल गैस का ग्राफ इज अ स्लाइट डेविएशन, ठीक है, इट इज नॉट एग्जैक्टली ओवरलैपिंग, ठीक है, इट्स अ स्लाइट डेविएशन, दो तीन अटेम्प्ट लगेंगे मुझे बनाने में, नहीं रुक जाओ, ठीक है, समथिंग ऑफ दिस नेचर, ठीक है, दिस इज द ग्राफ, यू कैन से of a real gas, ठीक है। Now अब इस ग्राफ के साथ में कुछ, ठीक है, अभी ये मत सोचो why क्यों, why वाला पार्ट में बाद में बताऊंगा, अभी what I am first showing is experimental observation, कि ऐसा है, तो पहले एक बार समझ तो लो कि ऐसा experimental observation आ रहा है, ठीक है। Now what does it mean, how do we यू नो अंडरस्टैंड इट, तो इसके लिए ऑब्जर्व करना यहां पर, ठीक है, आइडियल गैस के केस में, ठीक है, व्हाट वी हैव इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, बट रियल गैस के केस में व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज दैट पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, वी आर नॉट फाइंडिंग दिस इक्वेशन टू बी सैटिस्फाइड, ठीक है, rather what we can say is that PV is equal to Z NRT, ठीक है, where Z is called as compressibility factor,
ठीक है, व्हाट वी कैन से इज दैट देयर इज अ डेविएशन, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है, एंड दिस डेविएशन इज बीइंग कैप्चर्ड इन अ वेरिएबल, ठीक है, इट्स नॉट अ कॉन्स्टेंट, इट्स अ वेरिएबल, इन अ वेरिएबल कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा भी सही कि इसका नाम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्यों है, बट नॉट राइट नाउ, इन अ वेरिएबल कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, जेड से, ठीक है। यहां पर नोटिस करना, इफ आई रिलेट द टू पीवी रियल, इनको मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, अपॉन पीवी आइडियल, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं या एनआरटी को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, बेसिकली एनआरटी क्या है, एनआरटी वाज पीवी आइडियल, ठीक है, ये पीवी आइडियल था और ये क्या था, पीवी रियल, ठीक है, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल इज इक्वल टू जेड, ठीक है, दिस इज what you can think of as compressibility factor. It is a factor that captures the deviation. ठीक है, अब notice करना graphically. What we are observing is, ध्यान से यहाँ पे notice करना, graphically what we are seeing is that under high pressure conditions, ठीक है, these are high pressure, ये y axis में ऊपर जा रहा हूँ मैं, तो these are high pressure conditions. ठीक है, इसमें आप नोटिस करना, व्हाट यू कैन सी इज फॉर दैट हाई प्रेशर कंडीशन वी आइडियल, ठीक है, एंड वी रियल के बीच कैसा रिलेशनशिप है, यू कैन सी दैट वी आइडियल इज लेस देन वी रियल, so if I substitute over here pressure constant है, ठीक है, v real is more than v ideal, तो z का value कैसा रहेगा, z will be more than one, right, so that is what our observation is, that under high pressure condition, ठीक है, what we have is z is greater than one, what do the, इसको हम read कैसे करेंगे, we read this as positive deviation, ठीक है, this is read as positive deviation, we say that the real gas is showing positive deviation as compared to the ideal behavior, ठीक है, समझ में आया, ये experimental observation है अभी, ठीक है, अच्छा यहां पर notice करना, ठीक है, मैं low pressure conditions की बात करता हूं, तो लो प्रेशर कंडीशंस में ऑब्जर्व करना, इफ आई टेक दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, देन यू कैन नोटिस ये रहेगा आपका वी रियल, ठीक है, एंड ब्लू कर्व के करस्पॉन्डिंग रहेगा वी आइडियल, यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है, व्हाट यू कैन सी हेयर इज दैट वी रियल इज कमिंग आउट टू बी लेस देन वी आइडियल, ठीक है, तो इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, यहां पर नोटिस करना, under low pressure conditions, how we are reading is, we are reading that यहाँ पर अब z कैसा रहेगा, more than one, less than one, equal to one, क्या रहेगा ये, ठीक है, z is less than one, right, because z क्या था यहाँ पर, v real upon v ideal, p तो constant लिया मैंने, horizontal line ली, तो v real upon v ideal, v real छोटा है, तो z is less than one, इसको हम लोग read कैसे करेंगे, इसको we call it as negative deviation. This is how it is supposed to be read. That real gas is showing negative deviation as compared to ideal behavior. ठीक है?
नाउ अब ऑब्जर्व करना, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना दैट मतलब काफी लो प्रेशर्स पर, वेरी लो प्रेशर कंडीशंस पर, ठीक है, व्हाट वी सी और व्हाट कम्स आउट एज अनदर ऑब्जर्वेशन इज दैट दीज ग्राफ्स दे टेंड टू मर्ज, ठीक है, अंडर, ठीक है, काफी लो प्रेशर कंडीशंस पे, ठीक है, दीज ग्राफ्स दे टेंड टू मर्ज विद ईच अदर. तो वो भी मैं यहां पर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कर दूंगा, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना दैट अंडर वेरी लो प्रेशर कंडीशन Z tends to 1, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं बोलूंगा मैं, बट आई विल काइंड ऑफ यूज दिस एरो शोइंग दैट टेंड्स टू 1, दैट इज रियल गैस tends to show ideal behavior, ठीक है, so this is something that is an experimental observation right now in front of you, ठीक है, मैं एक बार zoom out कर लेता हूँ, and again as I said right now don't go into the understanding why ऐसा क्यों है, वो मैं थोड़े टाइम बाद एक्सप्लेन करूंगा, बट फर्स्ट अरे आई वॉन्टेड टू गिव यू द एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव दैट हाउ अ रियल गैस इज बिहेविंग, ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि रियल गैस का बिहेवियर कोई एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड अलग नहीं है, ठीक है, इट इज जैसे हाइपरबोलिक है आइडियल गैस का, वैसे ही रियल गैस का भी बिहेवियर है, ठीक है, बट डेविएशन है, ठीक है, इट इज नॉट एग्जैक्टली समथिंग विच इज फॉलोइंग आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, एक ये पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, बट देर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस पॉइंट, इट इज अ मियर कोइंसिडेंस, ठीक है, सो डोंट गेट मच यू नो फिक्सेटेड ऑन दिस पॉइंट कि ये क्या है, यहाँ पर दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं, कुछ तो क्रूशियल क्रिटिकल हो गया, नहीं, this is just a you can say coincidence point jahan par real gas ideal gas ki tarah calculation match kar rahi hai bas aur kuch bhi nahi hai theek hai ab isi ke sath mein notice karna theek hai isi ke sath mein ek aur main observation attach kar raha hu ठीक है वो ऑब्जर्वेशन क्या है दैट इज समथिंग टू डू विद द वर्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ठीक है सो नोटिस करना ठीक है मैं यहां पे लिख देता हूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर गिव्स a measure of compressibility of a real gas so it gives a measure of compressibility of a real gas with respect to आइडियल बिहेवियर ठीक है तो यहां पे नोटिस करना अरे जा भाई एडजस्ट हो जा नाउ व्हाट इट मींस ठीक है एक बार नोटिस करना अरे यार गिव मी वन मोमेंट गाइस
As I was saying, compressibility factor gives a measure of compressibility of a real gas. With respect to ideal behavior. ठीक है, notice करना, Z अगर more than one है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, real gas is less compressible. ठीक है, आप notice कर सकते हो. ठीक है, Z more than one, इसका मतलब क्या हो जाता है, VR is greater than VI. The volume occupied by real gas, ठीक है, is more than that of the ideal gas. So real gas is less compressible than ideal gas. ठीक है, that is to say, ठीक है, ध्यान से यहां पर notice करना, that is to say that repulsive forces between gas molecules dominate. ठीक है, अगर z less than one है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, real gas is more compressible. Just a second, guys. Real gas is more compressible than ideal gas. ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हमने देखा that V real is less than V ideal. ठीक है, that is the thing that we observed. ठीक है, जब Z less than one है, यानी कि सेम प्रेशर conditions में रियल गैस ज्यादा कंप्रेस हो गई है. ठीक है, दैट इज टू से अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स डोमिनेट. ठीक है, तो यहां पर नोटिस करना, इफ यू रिमेंबर, मैंने जब आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों के साथ में स्टार्ट किया था, ठीक है, then I had told you that ideal gas mein we are not going to take any forces of attraction between molecules. ठीक है, however if you talk about real gases, real gas ke molecules, to unme kaisa rahega, there will be attractive and repulsive forces between the molecules, because after all a gas ka particle kya hai, it is an atom or a molecule which has nucleus with electrons around it. Theek hai, to these molecules all have attractive or repulsive forces between them. Theek hai, opposite charges attract karenge, सेम चार्जेस रिपेल करेंगे. तो दीज मॉलिक्यूल्स डू हैव दीज फोर्सेस बिटवीन देम. इट वॉज वाइल कंसिडरिंग आइडियल गैसेस, हम लोगों ने इन फोर्सेस को अकाउंट में नहीं लिया था. ठीक है, बट इन केस ऑफ अ रियल गैसेस, ठीक है, देर आर फोर्सेस बिटवीन real gas molecules, and what we can understand, these deviations are in form of attractive or repulsive forces being dominant between gas molecules. ठीक है, so यहां पर अगर आप notice करोगे, ठीक है, when I said positive deviation, Z is more than one, what I mean here is that repulsive forces,
ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स डोमिनेट, ठीक है, फॉर अ रियल गैस द रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग. व्हेन आई टॉक अबाउट नेगेटिव डेविएशन दैट इज लेस देन वन, तो इसका मतलब क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स डोमिनेट. ठीक है, इसी चीज को हम लोग एक z वर्सेस p के ग्राफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, यहां पर आप ऑब्जर्व करना, यही जो एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है, इसी को आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ अ z वर्सेस p का ग्राफ. ठीक है, दिस इज z इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये कैसा हो गया, आइडियल बिहेवियर, राइट. कैसा ऑब्जर्वेशन था ऊपर, नोटिस करना, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन दैट वी हैड ऑफ हाउ जेड इज बिहेविंग विद प्रेशर. ठीक है, नोटिस करना है, यहाँ ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन था अपना, एक्सट्रीमली लो प्रेशर कंडीशंस है, वेरी लो प्रेशर कंडीशंस में जेड वन को अप्रोच कर रहा है. ठीक है, लो प्रेशर कंडीशंस में जेड लेस देन वन है. ठीक है, देन एक कोई रैंडम पॉइंट है जहां पर z इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है, जस्ट एट दिस रैंडम पॉइंट, एंड देन बियॉन्ड दैट एट हाई प्रेशर कंडीशंस z कैसा है, ग्रेटर देन 1. ठीक है, मैं दोबारा रिएट्रेट कर देता हूँ, अंडर वेरी लो प्रेशर कंडीशंस z 1 को अप्रोच कर रहा है, अंडर लो प्रेशर कंडीशंस z इज लेस देन 1, नेगेटिव डेविएशन है. एक एक कोइंसिडेंट पॉइंट है जहां पर z इक्वल टू 1 हो जाता है, एंड देन हाई प्रेशर कंडीशन में जेड ग्रेटर देन 1 रहेगा. तो इसके अकॉर्डिंगली ये ग्राफ नोटिस करना, एट लो प्रेशर कंडीशन यानी कि वेरी क्लोज टू द एक्स एक्सिस का स्टार्ट, द जेड वैल्यूज आर इक्वल टू 1. तो मेरा ग्राफ यहाँ जेड इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, देन लो प्रेशर कंडीशन है, लो प्रेशर कंडीशन में कैसा रहेगा, जेड लेस देन 1 है, तो ये ग्राफ नीचे जा रहा है. ठीक है, देन एक कोइंसिडेंस पॉइंट आता है जहां पर ये इक्वल टू 1 हो जाता है z, एंड फाइनली अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस z वापस 1 से ज्यादा ही होगा. तो व्हाट आई सी इज दैट द ग्राफ इज समथिंग इन दिस मैनर. ठीक है, नीचे जाके ऊपर आ रहा है. ठीक है, एज यू कैन नोटिस यहां पर वापस आई एम गोइंग टू मेक द सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, वेरी लो प्रेशर कंडीशंस में कैसा है, z टेंड्स टू 1. ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे अंडर लो प्रेशर कंडीशंस z इज लेस देन 1, नेगेटिव डेविएशन. ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट. ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे, ठीक है, अंडर high pressure conditions what we are saying is that z is more than 1. ठीक है, that is repulsive forces dominate. ठीक है, ये कैसा पॉइंट हो गया, ये एक coincidence पॉइंट हो गया जहां पर यू कैन से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज आर बैलेंसिंग आउट, एंड एज अ रिजल्ट यू जस्ट सी z इक्वल टू 1. ठीक है, बट जस्ट अ कोइंसिडेंस पॉइंट, नथिंग मोर नथिंग लेस. ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ऑफ अ रियल गैस. ठीक है, नाउ व्हाई दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज देयर, ठीक है, हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन्ड, वो अब मैं आपको, ठीक है, एक्सप्लेन वो मैं आपको बताऊंगा थ्रू वंडरवॉल्स रियल गैस इक्वेशन. ठीक है, दैट इज एन इक्वेशन विच विल डेवलप सो एज टू एक्सप्लेन दिस बिहेवियर. ठीक है, इसमें क्या डाउट है आपका, कुछ बताओ मुझे. जैसे यश का डाउट है, यू आई डिडंट अंडरस्टैंड हाउ दिस रिलेशन विद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम. तो मैंने आपको ये बताया कि रियल गैस में, ठीक है, हम लोग आइडियल गैस में एक अजम्पशन लिए थे कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्सेज नहीं होंगे, बट एज वी कैन रिमेंबर और अंडरस्टैंड कि एक एटम में कैसा होता था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट.
सो इन एटम्स के बीच में देयर आर फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन दैट आर प्रेजेंट, ठीक है, देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन लाइक चार्जेस, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं हाई प्रेशर कंडीशंस में ले जा रहा हूँ, गैस को बहुत कंप्रेस कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स को बहुत पास पास लेके आ रहा हूँ, तो उनके बीच के न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन डोमिनेटिंग, व्हाट वी सी इज दैट गैस बिकम्स लेस कंप्रेसिबल, और यू कैन से व्हाट वी से इज दैट पॉजिटिव डिविएशन शो होता है, ठीक है। वहीं पर लो प्रेशर कंडीशंस में, ठीक है, लो प्रेशर कंडीशंस में, ठीक है, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज कि गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ यू नो मच रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट, ठीक है, एकदम आसपास नहीं है। एंड उसकी वजह से, ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं, रैंडमली घूमते रहते हैं, बट एक दूसरे के पास जब आते हैं, ठीक है, देन देर आर दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज, बिकॉज न्यूक्लियस ऑफ वन एटम इज गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर, ठीक है, एंड दोज फोर्सेज आर समथिंग विच आर कॉल्ड एज वंडरवॉल्स फोर्सेज, ठीक है, दोज अट्रैक्टिव फोर्सेज आर गोइंग टू प्ले अ रोल इन द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस। अगर हम बहुत ही लो प्रेशर कंडीशन पर चले जाते हैं, मतलब वॉल्यूम इतना ज्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम इज वेरी हाई, ठीक है, देन व्हाट वी आर सेइंग इज दैट एक्चुअल पार्टिकल्स का वॉल्यूम, ठीक है, इज समथिंग विच इज मच स्मॉल एज कम्पेयर टू द ओवरऑल सिस्टम, एंड उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एंड दे आर गेटिंग वेरी लेस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, आइडियल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कि उनके बीच के फोर्सेस आर समथिंग विच आर नॉट प्लेइंग अ रोल, बिकॉज दे प्ले अ रोल ओनली व्हेन द एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो इट इज काइंड ऑफ शोइंग एन आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है अबाउट अ रियल गैस, जिसको हमें अब और डिटेल में समझना है, ठीक है, व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब रियल गैस इक्वेशन, दैट इज वंडरवॉल्स इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, देन हर्ष का डाउट है, क्या डाउट है हर्ष आपका, व्हाट इज द प्रेशर व्हेन जेड कम्स आउट टू बी वन अगेन, ये इसके करस्पॉन्डिंग आप पूछना चाह रहे हो कि ये प्रेशर क्या रहेगा। कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है हर्ष, डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट हो सकता है, इनफैक्ट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ही डिफरेंट हो सकता है, एंड इट इज ऑफ नो रियल सिग्निफिकेंस, ठीक है, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस पॉइंट जहां पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का इक्वेशन फिट बैठ गया, ठीक है। अदरवाइज रियल गैसेस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का इक्वेशन फिट नहीं बैठेगा, हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू एज पार्ट ऑफ स्टडिंग रियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट द रियल गैस इक्वेशन दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर, ठीक है। ऑलराइट, एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? ऑलराइट, चलो ठीक है। वंस अगेन अ रिमाइंडर, कल 3 बजे अपना डाउट लेक्चर है, सो मेक श्योर यू हैव कोलेटेड योर डाउट्स एंड ऑल, एंड देन वी विल डिस्कस देम, ठीक है। प्राइमरी फोकस डीपीपीज के ऊपर रहेगा आई थिंक, बिकॉज दोज आर द वंस दैट हैव नॉट बीन डिस्कस्ड, एंड ऑल्सो डीपीपीज के कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको भेज दिए थे, ठीक है, जो वो पीडीएफ में भेज रहा हूँ बुकलेट सोल्यूशन वाली, उसमें आई हैव गिवन सम ऑफ द दिस थिंग का लाइक क्वेश्चंस, मतलब इफ यू रिमेम्बर, मैं एक बार क्विक रिकैप भी कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर एक और बैच में उस चीज़ को समराइज ज़रूर करा था, लेट मी सी, हाँ ये जो पीडीएफ्स मैंने भेजे थे बुकलेट सॉल्यूशन पार्ट 2 पार्ट 3, उसमें मैंने कुछ कुछ ये डीपीपीज के सॉल्यूशन ऑलरेडी भेज दिए थे, ठीक है, एंड ये मैंने पहले से इसलिए कर दिए थे बिकॉज आई न्यू दैट दीज आर डिफिकल्ट वंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको वापस से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप लोग पहले ही देख लेना, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन केटीजी के एफबीओ एफबीएस के क्वेश्चंस होमवर्क के लिए मैंने लास्ट क्लास में दे दिए थे, ठीक
ठीक है, आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हो, एंड उनके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे थे कि नहीं करे थे? हाँ, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली आई हैड शेयर्ड द सॉल्यूशंस आल्सो व्हिच वर रिलेटेड टू द केटीजी के क्वेश्चंस। आई थिंक दैट वाज बुकलेट सॉल्यूशन पार्ट 4 था शायद वो। आई विल हैव टू आल्सो डबल चेक। नहीं, पार्ट 4 नहीं था, सॉरी, वो तो पार्ट 5 था। ठीक है, ऑल राइट। तो आज मैंने जितना पढ़ा है उसके, हाँ, FBO 45 से 71 एंड 31 से 36 वाला, राइट। तो आज जो मैंने पढ़ा है उसके ऊपर मैं आज कुछ खास होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है। मेक श्योर आप जो भी अपना अभी तक का पुराना होमवर्क है उसके पेंडिंग डाउट्स एंड ऑल को कोलेक्ट करके अभी इस वाली डाउट सेशन में डिस्कस कर लो मेरे साथ, एंड अदरवाइज उसके बाद में विल अगेन फाइंड सम अपॉर्चुनिटी जब और भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ऑल राइट, थैंक यू गाइज, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ, कुछ कहना चाहते हो ऋग्वेद? सर, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि Z अगर 1 से बड़ा है तो रियल गैस लेस कंप्रेसिबल क्यों है आइडियल गैस से? ऐसे आप सोचो ना, इमेजिन करो, हाई प्रेशर कंडीशंस में आप गैस को लेकर जा रहे हो, उनके मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास लेके आ रहे हो, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाएगा ना। हाँ सर, लेकिन एज कम्पेयर टू आइडियल गैस कैसे वो कम? एज कम्पेयर टू आइडियल गैस इसलिए क्योंकि आइडियल गैस में हमने अजम्पशन ले रखा है कि फोर्स ही नहीं थे, दैट वाज अजम्पशन। ओके, बट रियल गैसेस के बीच में फोर्स होते हैं, वी कांट निग्लेक्ट दैट रियलिटी, एंड उसकी वजह से ये डेविएशंस आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सर, ठीक है, चलो, ऑल राइट, गुड नाइट गाइज, बाय बाय।